अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उमान मस्कत के सिटीज मोबेला, उस जगह पे ये हॉस्टल है। ये हॉस्टल के अंदर मैं इंटर हो रहा हूँ इस टाइम, और अभी हॉस्टल के अंदर का इंटीरियर सारा सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पहुँच गया अंदर हॉस्टल के, इंटर हो गया हूँ। यहाँ पे ऊपर फैमिली का भी है और इधर अंदर इंटर हो गए जी। ये लॉबी हॉल है, सारा बैठ के आप डिस्कशन करें इधर लॉबी, और ये किचन है, और इधर फैमिली रूम भी रहती है। ये फैमिली का सिस्टम है, फैमिली भी आप लाके फैमिली को रुका सकते हैं। ये फैमिली है इधर, ये फैमिली के लिए भी इंतज़ाम मौजूद है, छोटे बड़े सब बच्चे सब। और ये बड़ों का हाल है, सब जगह एक एक रूम बने हुए, उसमें बड़े छोटे बच्चे बाथरूम सब, उसमें बाथरूम सब वॉशरूम सब मौजूद है। ये बाथरूम का एरिया है, ये बड़ों का एरिया है, ये अलग है जेंट्स और फैमिली लेडीज अलग सिस्टम है। और आपको हॉस्टल में सुबह चाय वाय सब बना सकते हैं आप। और ये किचन रूम है। सलाम अलैकुम मोहम्मद, हला है जैन, अलहमदुल्ला इंतेस्मिक मोहम्मद याकूब याकूब जैन मजबूत आदा। ये देखिए ओके, ये है किचन, इसमें आप चाय वाय बना के पी सकते हैं। और ये चाय बना रहे याकूब, यहाँ के उमानी लोकल हैं, क्योंकि ये हॉस्टल के करतार धरतार देखते हैं। तो आप चाय वाय बनाएं, जो कुछ बनाना है आप बना के पी सकते हैं, खा सकते हैं। नाश्ता, ये नाश्ता करने की टेबल है, तो आपको सुबह के टाइम यहाँ पे नाश्ता करके आप निकल सकते हैं बाहर। तो ये हॉस्टल का ये एरिया है, और ये किचन के बाहर एक रूम है, ये खाली स्पेस है। ये आप टेल वेल लें, शाम में बैठे यहाँ पर गपशपे शपे लगाएं। ये खजूर के पेड़ हैं सामने, और ये हॉस्टल का पूरा इंटीरियर एरिया है। तो आप सुबह उठ के इधर आके नाश्ता कर सकते हैं। तो जी फिर मिलेंगे एक आपको नई वीडियो के साथ। ये हॉस्टल का इंटीरियर मैंने आपको दिखाया था।